ये कहानी है चार ऐसे अय्याश दोस्तों की जो एक दिन ऐसी जगह घूमने गए जो बेहद खतरनाक। कहते हैं वहाँ एक प्रेतात्मा का साया था। वो एक ऐसी आत्मा है जिसकी अब तक जिसने भी जिक्र किया वो नहीं बचा, और जाने अनजाने में इन्होंने उसी की कहानी का जिक्र कर दिया। तो देखते हैं इनके साथ क्या होता है। आज क्लाइमेट बहुत बेजार आ रहा है। तेरा बकवास शायरी सुना बे। आज तुम ना फेमस शायरी सुना दो। इरशाद इरशाद इरशाद। ए इरशाद हमारे चाचा का नाम बे। ए रंदे 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 संभाल ले। सुन भाई बस सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। वाह 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 क्या कौन पहला सुन भाई पहला सुन भाई। सुन सुन अभी तुम्हारा कॉमेडी बहुत हुआ। मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। सुना 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 बस। एक गांव में एक औरत। ए वो स्टोरी आती भी मुझे। हाँ बोल बोलो। हाँ बोलता रुक। पकड़ फोन मेरा पकड़। देख डरना नहीं हाँ। सुनो यार एक गांव था। गांव में एक औरत थी, उसके तीन बच्चे थे, दो लड़कियां थी और एक लड़का था। वो अपनी लड़कियों को तो प्यार करती थी, लेकिन अपने लड़कियों से ज्यादा वो अपने बेटे को प्यार करती थी, क्योंकि 500 माह तक उसने रत रखी थी उसके बेटे के लिए, तब जाकर वो पैदा हुआ था। एक दिन वो तीनों बच्चे छुपा छुपी खेल रहे थे और अचानक उसका बेटा एक कुएं में गिर गया और उसकी चीख सुनाई दी, और वो औरत उसकी चीख सुनकर जब तक कि वो पहुंच जाती तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके बेटे की हालत देखकर वो एकदम शॉक में आ जाने के बाद उसे होश नहीं थी, और उसके मन में एक ही सवाल आ रहा कि उसका बेटा उठ क्यों नहीं रहा। वो औरत पागलों की तरह उसके बेटे को सीने से लगाकर घंटों तक लोरी सुनाने लगी। फिर एक तांत्रिक ने उसे उम्मीद दिलाई कि अगर वो उसकी दोनों बेटियों की बलि देगी ना तो उसका बेटा जिंदा हो जाएगा, और वो औरत अपने बेटे के दुख में इतना सुन्न हो गई कि उसके अपनी बेटियों की चीख भी तक सुनाई नहीं। और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और तांत्रिक उसी वक्त वहां से भाग गया। वो गांव वालों के नजर में हुआ ऐसी मां थी कि उसके हाथों में उसकी ही बेटों की बेटियों का खून था, और उस गांव वालों ने उसे औरत को पेड़ पर टंगा दिया, और वो चीखती रही चिल्लाती रही कि कहती रही कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मेरे बच्चों को मैंने नहीं मारा। मगर उस गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसे जिंदा जला दिया, और वो गांव वालों का कहना है कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटक रही, और वो आवाज आज भी वहीं सुनाई दे, जो कोई भी उसका जिक्र करता है उसकी उसे याद करता है ना उसे आवाज सुनाई देती है, और जिसे भी ये आवाज सुनाई देती है वो जिंदा नहीं बचता। क्या बे तेरी बकवास स्टोरी, सुन सुन को काना पट रहे मेरे। इन्हीं बोला सुनिया मैं। ये नहीं बे मैं भी कांकी सुनिया हूं। मालूम ले तेरी फटकारी तेरी फटकारी। चलो बाप बहुत फिर जाइ चलो यहाँ से भी। अरे अरे सुपी रुक बे स्टोरी मैं सुनाती मुझे तो करा चल दे क्या ढूंढ रही क्या निकला। सुपी दोनों को मारता बाप के साथ पंगा ले रहे तुम्हें, मुझे डरा रहे क्या? चलो बे सर्कल बना को हाथ पकड़ बैठेंगे, अगर अब भूत रहा तो भूत को मैं मार दू, अगर भूत नहीं रहा तो मैं मार दू। चलो बैठे मैं सर्कल में छाता पकड़ो नहीं छाता पकड़ो। फिर सालो का मीनू जो सच में भूत है भागो जैसे। ओ त्रयंबकम् यजामहे सुमन्त्रम्
अबे वाह, अभी इनको ढूंढना, अभी इनको ढूंढना पड़ेगा। चल जंगल में जाता हूँ। पहला रोड पर जाएंगे, पहला रोड पर जाएंगे। अबे इधर तो सच में भूत है, क्या करेंगे? भूत को डर को मरता तो भाई लपड़े डर को मरने का। अबे भूत से लड़ेगा कौन? अबे सालो कमीरो भूत है, भूत हो। भूत से लड़ता कौन? अभी तू लड़ना, तू तो ग्रुप का लीडर है अभी। भाई लड़ो। सुप्पी भाई जिंदाबाद, सुप्पी भाई जिंदाबाद, सुप्पी भाई जिंदाबाद, सुप्पी भाई। सालो कमीनो वो भूत है भूत, और मैं इंसान मुर्दाबाद होना जरूर। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। सुप्पी भाई हमारे पास एक ही चिल्ला दे। क्या बे, उंगलियां नहीं करा तो? उंगलियां हमें भी वो प्लस हो, इसे हर भूत डरता कहते। चलो ट्राई करेंगे हमें भी। हमें तो भूत से डर लिया, अभी भूत ने आवाज नहीं किया है। A few moments later. अगाम भूतांशी भाग भाग को बस आ बेवा अभी। हाँ, दो मिनट रेस्ट करेंगे, बाद में आंशी घर को जाके छोड़ेंगे। ले 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 ले। कॉल आ रहा बे। ले 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 ले। जंगल में नेटवर्क कैसा आ रहा है तुझे? ये आ रहा देख। कौन बे? सुप्पे। अले बे सुप्पे बात कर। रुक रुक मेरा फोन से लगाता मैं। हाँ लगाता कर ले बे ने। अभी तो भैया 26 मिस कॉल है इधर। रुक फोन लगेंगे से। हेलो समीर। नहीं यार जंगल में सपड़ा था। आरु रुक। चलो बे घर को जाएंगे। चलो बे। ये घुंगरू की आवाज़ आ रही। कौन है? अबे सालों से अपना बात बताने भिज रहा मैं। घुंगरू का मेरा कॉलर टोन ऑटोमेटिक चेंज होता है। किधर जा रहे हैं? वो पहले से के बाजू, वो दबा के जाओ। दबा के जाओ।